दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के शेयर में आज आपको वापस तेजी देखने को मिली है। लगभग 1.21% की तेजी आज भी टाटा मोटर्स में बरकरार रही। आज टाटा मोटर्स का शेयर 305.15 पर क्लोज हुआ। लगभग 3 नंबर्स की तेजी आज आपको टाटा मोटर्स शेयर के अंदर देखने को मिली है। और टाटा मोटर्स के अंदर जो ये तेजी निकल कर आई है उसमें एक इनका नया प्लान निकल कर आया है जिसका नाम है बिजनेस एगिलिटी प्लान। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस एगिलिटी प्लान क्या है, कैसे ये टाटा मोटर्स को बेनिफिट दे रहा है, सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहे। सबसे पहले टाटा मोटर्स के आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स का शेयर आज 303.50 पर ओपन हुआ। 309.50 का इसने हाई बनाया और 303 का इसने लो बनाया। अगर आज आप टाटा मोटर्स के चार्ट को भी देखेंगे तो फर्स्ट सेशन में आपको काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक आपको इसके अंदर वापस डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर 297 के बीच में जब ट्रेड कर रहा था तब इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी देखी गई थी और डिलीवरेबल बेस काम भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया था, जिसको देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आपको 305 के लेवल पर देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था वो यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज यहां पर जो आपको क्लोजिंग देखने को मिली है वो थोड़ी सी यहां पर डाउनवर्ड में देखने को मिली है। लेकिन अब ये प्लान क्या निकल कर आया है, बिजनेस एगिलिटी प्लान, और इससे कैसे बेनिफिट मिलने वाला है टाटा मोटर्स के शेयर को, आइए उसे जान लेते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको प्राइस एक्शन, स्टॉक्स और उसी के साथ में सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल भी कंटिन्यूसली बेसिस पर शेयर किए जा रहे हैं। शेयर मार्केट की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो मार्केट के ओपन होने के पहले मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स रहेंगे, मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा, सारे एनालिसिस, सारे अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बिजनेस एगिलिटी प्लान के बारे में। जी हाँ, टाटा मोटर्स स्टॉक राइजेज एज फर्म्स एडॉप्ट्स बिजनेस एगिलिटी प्लान अमिड कोविड सर्ज, यानी कि कोविड की सिचुएशन जो यहाँ पर चल रही है देश के अंदर उसके देखते हुए यहाँ पर टाटा मोटर्स ने बिजनेस एगिलिटी प्लान को यहाँ पर एडॉप्ट किया है। टाटा मोटर्स जैसा कि आपको पता है ऑल ओवर इंडिया की थर्ड ऑटो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उन्होंने यहाँ पर बिजनेस एगिलिटी प्लान को जैसे ही यहाँ पर एडॉप्ट किया तब से आपको शेयर के अंदर वापस बूम देखने को मिल रहा है। इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्टेड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 182,824 यूनिट्स इन क्वार्टर फोर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है टाटा मोटर्स के क्वार्टर फोर के नंबर्स आना अभी पेंडिंग है, लेकिन टाटा मोटर्स के अगर आप यहाँ पर सेल की बात करें तो क्वार्टर फोर के अंदर जो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने सेल डिक्लेयर करी है वो लगभग 182,824 यूनिट्स की है, और अगर हम यहाँ पर क्वार्टर वाइज कंपेयर करें तो लगभग 21% की तेजी आपको क्वार्टर थ्री के कंपेयर में यहाँ पर देखने को मिली है। उसी के बीच अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल को कंपेयर करें तो लगभग 94% की तेजी आपको टाटा मोटर्स की सेल्स के अंदर देखने को मिली है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टाटा मोटर्स ने अपने पिछले 9 के रिकॉर्ड को भी ब्रेकआउट कर दिया है, जैसा कि आपको पता है। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बिजनेस एगिलिटी प्लान के बारे में। टाटा मोटर्स शेयर रोज ओवर 1% टूडे आफ्टर द ऑटो फर्म अनाउंस दैट इट हैज स्केल्ड अप एफर्ट्स टू एनहेंस द वेलबींग ऑफ इट्स पर्सनल एंड देयर सपोर्टिंग इकोसिस्टम। द कंपनी हैज़ एडॉप्टेड अ बिजनेस एगिलिटी प्लान टू प्रोटेक्ट एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर, डीलर्स एंड सप्लायर। जैसा कि आपको बताया, टाटा हमेशा से सिर्फ उन्हीं की सर्विसेज के लिए ही नहीं बल्कि उनकी कस्टमर रिलेशनशिप, डीलर एंड सप्लायर रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा माने जाने वाला कंपनी है। उन्हीं सबको देखते हुए टाटा मोटर्स ने एक बिजनेस एगिलिटी प्लान बनाया है जिसमें उनके कस्टमर्स को, उनके डीलर और सप्लायर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है इस कोविड की सिचुएशन से, और उनको कैसे उसका इस कोविड की सिचुएशन में भी कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस एगिलिटी प्लान के अंदर देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर टाटा मोटर्स ने बिजनेस एगिलिटी प्लान डिक्लेयर किया है, यहाँ पर जैसे ही प्लान की सूचना दी उसके बाद में टाटा मोटर्स के शेयर्स में आपको वापस बूम देखने को मिला है। टाटा मोटर्स ने अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखा हुआ है। कीपिंग एम्प्लॉयज़ सेफ्टी फॉर मोस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैव बीन अपडेटेड
फॉर द प्रिवेलिंग सेकेंड वेव विद द फोकस ऑन एक्सपेंडिटिंग वैक्सीनेशन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अफेक्टेड एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेम्बर्स द कंपनी सेट। यानी कि टाटा मोटर्स के जो एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पर कोविड से इम्पैक्ट हुए हैं और या फिर उनकी फैमिली में इम्पैक्ट है कोविड को लेकर, तो उसके लिए भी टाटा मोटर्स पूरी तरीके से यहाँ पर उनकी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। और टाटा मोटर्स इसी के लिए हमेशा से जाना गया है। टाटा मोटर्स हमेशा से अपने कस्टमर रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाली एक कंपनी है। इसी के साथ जो उनके एम्प्लॉयज़ अभी करंट सिचुएशन में भी वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की जो सेकेंड वेव आई है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए भी उनके एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है और इसी के साथ में सारे सेफ्टी मेजर्स को वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ जैसा कि दो दिन पहले मैंने आपके साथ जो न्यूज़ शेयर करी थी टाटा मोटर्स को लेकर, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि टाटा मोटर्स उनको उनकी आने वाली डिमांड के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर अभी जो ये कोविड की सिचुएशन चल रही है इससे सेल्स की डिमांड में यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि टाटा मोटर्स अभी अपने तीनों प्लांट को बिल्कुल शटडाउन नहीं कर रहे हैं, जो उनके मेट्रो सिटी में एस्टेब्लिश है उसे किसी तरीके से अभी यहाँ पर शटडाउन करने की बात निकल कर नहीं आई है। टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर गिरीश वाघ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स की डोमेस्टिक सेल्स को यहां पर डिक्लेयर किया है क्वार्टर फोर की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 98,966 यूनिट सेल हुई है, 20% हायर देन द प्रीवियस क्वार्टर। यदि कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स को भी आप पिछले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर थ्री से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर भी आपको लगभग 20% की तेजी देखने को मिली है। कंटिन्यू इट्स सिक्वेंशियल ग्रोथ, इट वॉज ऑल्सो हायर बाय 59% ओवर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 20। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर फोर के रिजल्ट से अगर इसे कंपेयर करें तो उसमें भी आपको लगभग 59% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया भी है कि टाटा मोटर्स के जैसे ही क्वार्टर फोर के रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा तेजी टाटा मोटर्स के शेयर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। और जो टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में थर्ड नंबर पर चल रही है वो आपको एक से दो साल के अंदर फर्स्ट नंबर पर भी आते हुए देखने को मिल सकती है। आज की अगर हम टाटा मोटर्स की वॉल्यूम को भी एनालिसिस करें तो आज टाटा मोटर्स के अंदर NSE और BSE में लगभग 5 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो कि कल के कंपेयर में 1 करोड़ क्वांटिटी यहां पर ज़्यादा है। तो टाटा मोटर्स के अंदर वॉल्यूम बेस काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अपने 300 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को वापस अचीव कर लिया है और आज भी आपको काफ़ी अच्छे मूवमेंट टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिले हैं। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने टाटा मोटर्स के अंदर 300 से 310 रुपये के लेवल पे एंट्री ले रखी थी, अब उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर्स वापस अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में आ गया है, तो अभी फ़िलहाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।